हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्लास सेवन्थ हिंदी में आज हम एक और निबंध सीखने वाले हैं और मैं आपको देने वाली हूँ। उस निबंध का नाम है जीवन में खेलों का महत्व, यानी हर रोज़ जो हम बाहर खेलने जाते हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, उससे हमें क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में हमें निबंध लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे मैं आपको इस खेल के बारे में, खेल का महत्व सिखाऊंगी, समझाऊंगी और बाद में फिर इसकी PDF आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, तो उसमें से देखकर आपको अच्छे से ये निबंध लिख लेना है। तो चलो सीखते हैं। निबंध का नाम है जीवन में खेलों का महत्व। जीवन में स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए तनाव मुक्त रहना अति आवश्यक है। वो तो बच्चों आप सब लोग जानते ही हो कि हम अगर स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे तो उसे हम क्या है, हमें तनाव मुक्त रहना हमारा सबसे पहला अति आवश्यक कार्य है कि हमें सब लोगों को क्या रहना है, तनाव मुक्त रहना है। आज के युवाओं को और प्रौढ़ों का जीवन तनाव से भरा हुआ है। अभी की सिचुएशन देखें तो हम घर में ही रह रहे हैं तो अभी बहुत सारे तनावों से हम गुजर रहे हैं। तो बच्चों जैसा तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए उन्हीं की तरह उछलते कूदते रहना आवश्यक है। जैसे बच्चे पूरे दिन उछलते कूदते रहते हैं और तनाव मुक्त, उनको कोई डिप्रेशन नहीं होता, उसको कोई चिंता नहीं होती, वैसे बच्चों की तरह हमें जीवन जीना चाहिए, उनकी तरह हमें उछलते कूदते रहना चाहिए, जो केवल खेल कूद से ही संभव है। वर्तमान युग में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी और टेनिस आदि अनेक प्रकार के खेल हैं। खेलों से मनोरंजन तथा व्यायाम दोनों मिलते हैं। जिसका मन कहीं भी नहीं लगता हो उसका मन खेलों में तो लग ही जाता है। आप सब लोग जानते हो कि आपको घर में बोर हो रहे हो तो आप कुछ खेल खेलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें खिलाड़ी अपने को पूरी तरह से भूल जाता है। जो तनाव आप महसूस करते हो तो जब आप खेलने जाते हो तो आप तनाव मुक्त हो जाते हो, आपको किसी की भी चिंता नहीं सताती और आप फ्रेश हो जाते हो तथा हर प्रकार के तनाव से मुक्ति पा लेते हो। मानो खेल योग साधना का विशेष अंग हो, यानी आप खुश रहना चाहते हो तो आपको खेल खेलना चाहिए। खेलते समय व्यक्ति उतने समय के लिए संसार की सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। वह इतने समय निश्चिंत और प्रसन्न रहता है जिसका उसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चों आपने देखा होगा कि जो एथलेट के स्टूडेंट हैं, जो हर रोज़ कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हैं, आपने उनको देखा होगा कि वो बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। इससे वह प्रसन्न भी रहते हैं और मधुर स्वभाव का व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं। कि अगर हम बाहर खेलने जाते हैं और पसीना बहाते हैं, खेलते हैं, तो उससे हमारा मगज यानी हमारा हृदय भी प्रसन्न रहता है। कई विद्यार्थी खेलों को पढ़ाई में बाधक मानते हैं, परंतु यह उनकी भूल है। खेल कूद में भाग न लेना और सदा किताबों में लगा रहना भी विद्यार्थियों का स्वास्थ्य खराब कर देता है। अकेले किताबों में ही लगा नहीं रहना चाहिए, उसके अलावा कभी कभी हमें खेलना भी चाहिए। अतः शरीर स्फूर्तिवान और मस्तिष्क ताज़ा रखने के लिए नियम पूर्वक थोड़ा खेलना बहुत आवश्यक है। हमारे मस्तिष्क को ताज़ा रखने के लिए भी हमें थोड़ा खेलना आवश्यक है। अधिक खेलों में रहना भी ठीक नहीं है। खेलना ज़रूरी है विद्यार्थी मित्रों, लेकिन पूरे दिन हमें खेल नहीं करना चाहिए। पूरे दिन खेलते ही रहेंगे और हम किताब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ये बुरी बात है। लेकिन पूरे दिन में 1-2 घंटे खेलना बहुत अच्छी बात होती है। खेलों का जीवन में अलग महत्व है। ये हमें पुरुषार्थी बनाते हैं। पुरुषार्थी यानी कि काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। नियम पूर्वक खेलते रहने वाले व्यक्ति की ऊर्जा बनी रहती है, यानी वह स्फूर्तिवान रहता है। वे दिन भर काम करके भी थकते नहीं, वे दीर्घायु होते हैं। खेलों में तो सदैव खेल भावना का महत्व रहा ही है, किंतु दैनिक जीवन में भी खेल भावना का महत्व उतना ही है।
क्योंकि हम खेल खेलने जाते हैं तो सभी बच्चों के साथ हिल मिल के खेलते हैं, शेयरिंग करते हैं, कुछ चीज़ें हैं हमारी है जो उनको देते हैं, उनकी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और उसको संभाल के रखते हैं। तो ये सारे जो गुण हैं, संभालना, शेयर करना, तो वो हम वहाँ से सीखते हैं। तो इससे मनुष्य में बाकापन, उदारता और सहनशीलता आदि के गुण बढ़ते हैं। ये गुण नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक उन्नति के लिए भी बहुत आवश्यक है। खेलों में कुछ खेल घर के अंदर और कुछ घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों से ही मनुष्य को व्यायाम मिलता है और वह स्वस्थ रहता है तथा उसे खेलों से ही मनोरंजन भी मिलता है। तो बच्चों, खेल से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, खेल हमें क्यों खेलने चाहिए, उसके बारे में मैंने आपसे बात की। अभी मैं इसकी PDF आपको ग्रुप में शेयर करूंगी और आपको समझकर आपकी नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू।